अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे किसी के साथ। आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लाजमी कर लो। और आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी भाई सुबह के 8:30 बजे होंगे। बड़े लड़का आज तो है ना, थोड़ा सा जल्दी उठ गया, तो अभी ना थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, क्योंकि ना सुबह जब बंदा उठता है ना तो मसल थोड़े से हो जाते हैं स्ट्रेच, तो सीढ़ियाँ चढ़ो ना तो बड़ा बंदा एक्टिव हो जाता है। और इधर चेक करो, माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटी यार। ये सारी जो आपको फसल ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है ना, ये वाली वो आगे सारी वहाँ तक वाली, क्या काश किया हुआ है गैस करो भाई। साग लगा हुआ है, साग ही साग खत्म ही नहीं होना इस बार सर्दी में, इतना साग लगा पड़ा है। ये हमारा नहीं है, ये सारा ये वाला, और ये जो तो खेत ये हैं पड़ोसियों के, हमारे रिश्तेदार हैं, वो अगला जो खेत है वो हमारा है, और इस तरफ कुछ हमारा लगा हुआ है। तो मतलब साग ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत है। और जो धान वाली फसल थी वो तो हो गई ख़त्म, अब हल चल चुके हैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा ना एक बार सीढ़ियाँ भी चढ़ के आता हूँ, और एक छोटा सा काम भी था वो भी करके आता हूँ। आपको पता है परसों ने ये फ्लैग उतारा था, तो इसको अभी मैं फोल्ड करके रख देता हूँ। ये यहीं रख के मैं भूल गया था, तो यहाँ पड़ा रहा तो ख़राब हो जाएगा, तो अभी इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसको कहीं संभाल के रख देता हूँ। बाकी अभी ये फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल ना खस्ता हालत है इसकी, ऐसे ना कि बंदा थोड़ा सा इसको ऐसे खींचना तो ये फट जाएगा। मुर्गी के काम आप चेक कर रहे हो, ये पड़ा हुआ था पॉलीथीन कहते हैं, या पता नहीं इसको क्या कहते हैं, कार्बन होती है ये। इसके अंदर चौंचे मार 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 के ना ये देखो सारा यहाँ से खा गई है, बड़ा उसको मज़ा आ रहा था, सारा मुंह पे भी लगा हुआ है उसके। चल 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 घर गया, वापस जा। हाँ जी, अम्मा जी बना रही हैं जी भाई नाश्ता पराठा। हाँ जी, आज तो भाई मुझे पता है, मुझे पराठा है। इधर बन गया जी मराठा, और इधर रहा जी देसी मक्खन। क्या बात है, तो नाश्ता बन रहा है जी। मैं बस अभी नहा दो, मुझे पहले खा लूँ, ठंडी हो जाए। अच्छा, मुँह तो मैंने धोया हुआ है, लेकिन नहा लूँ तो फिर ज्यादा तेजी के साथ खा सकूंगा। तो चलेंगे। अच्छा जी, तो अभी जो है ना नाश्ता कर लेते हैं, साग के साथ खानी है तो गरम गरम ही मजा आता है मक्खन के साथ ना, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नहा लूंगा। पराठा हो चुका है जी हमारा रेडी, और ये लगा रही है जी हमारी देसी घी। वाह, अम्मा फिर आ रहा, वो मेरी डाइट का, मेरा ख्याल रखने का चीजें फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ये हो गया जी देसी स्टाइल में मक्खन रखा, और अभी जो है ना मैंने ज्यादा मक्खन नहीं रखवाया, क्योंकि ना फिर ये ज्यादा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। ऐसे रख दिया साग, और अब क्या करना है, अभी ये जो घी भी सॉरी मक्खन भी इसमें पिघल जाएगा, साग भी गर्म हो जाएगा, फिर आएगा जी मज़ा। लस्सी भी मेरी आ गई, और पराठा, और साथ में साग मक्खन वाला। ओह कमाल भाई कमाल, मैं कहता हूँ मुंह में पानी आ रहा है यार। इतने दिनों से मैं परहेज़ कर रहा था कि ना ऑयली चीज़ें ना खाऊं, लेकिन फिर ना आज अम्मा ने हैवी डोज दे दी है। लेकिन ये है कि ये देसी मक्खन है, डालडा वगैरह इसमें नहीं है, ना ही वो जो बाजारी घी होता है वो यूज़ हुआ, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक मक्खन है, और साग भी ऑर्गेनिक है, तो कुछ नहीं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन डाइट की जो है ना चीज़ें उठने वाली हैं, दबा के आज ना भाई साग और साथ में पराठा और लस्सी। तो अभी नाश्ता इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर मैंने नहाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आय हाय ऐसे लगाया, भर भर के साग लगाना चाहिए, मज़ा आए। कमाल यार, सच में देसी मक्खन के साथ साग का जो कम्बिनेशन है ना, किसी और चीज़ के साथ नहीं है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो मैं अभी खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो भाई नहा धो के मैं हो गया हूँ जी रेडी, कपड़े छपड़े कर लिए जी चेंज, कुछ इस तरह की लुक अपन की बना लिए मैंने, अपन की नहीं अपन की पता नहीं क्या कहते हैं। खैर जी रेडी हो गया हूँ जी, अभी चाय शाय पी है, और
अम्मा इधर रही। हाँ जी अम्मा जी, क्या बात है, तैयार हैं? हाँ जी मैं तैयार हूँ। चले फिर, तू तैयार है? हाँ मैं फुल रेडी हूँ। बच्चे तैयार हैं? भाभी तैयार है? सारे तैयार हैं। और चल मैं निकालूं फिर गाड़ी। हाँ जी कर लो, पक्की गल है पक्की। इधर बैठे हुए हैं जवाबा जी, तुसी नहीं आना? घर से तो हम निकल आए और हम जा रहे हैं जी भाभी के घर, यानी कि भाभी का जो मेका है उधर जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, अम्मा जा रही हैं, ये रही साहर जा रही है और भाभी जा रही हैं, क्योंकि ना वहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है, आप कह सकते हो खैरात कर रहे हैं या एक छोटा सा मिलाद अरेंज किया हो, यानी कि एक इस्लामिक फंक्शन है। तो हम जा रहे हैं जी उधर, बस थोड़ी देरी हुई है हमें घर से निकले हुए। बाकी घर पर अब्बा जी, भाई मुनव्वर सदाकत भी कहीं दोस्त की तरफ जा रहा था, उसको भी काम था, घर के रिलेटेड ही कोई सामान वगैरह खरीदना था, तो दोस्त की तरफ साथ ही जा रहा था, वो उधर चला गया और मुबशर को भी हम घर पर ही छोड़ के आए हैं। तो आवाम जो है ना, आज मैं देख रहा हूँ रोड पे बड़ी तेज तेज जा रही है, या मैं स्लो जा रहा हूँ? हाँ जी तुम आराम ना जा, लोग मामा तेज ही जावन। अच्छा हां, क्या अपन फिर तो भाई मचाई जाइए? नहीं नहीं आराम ना चले, कोई बात नहीं जी, आराम आराम से ही जाएंगे हम। रोड के हालात भी इतने नाजुक हैं कि बंदे को ना नाजुक ड्राइविंग करनी पड़ती है, बड़ी तसल्ली के साथ देख के कहें, कहीं भी खड्डा आ सकता है तो फिर पता नहीं चलता, हर रोज़ नया खड्डा बन जाता है। वैसे तो रोड मुझे याद ही हो गया है, लेकिन फिर भी रिस्क होता है। तो इंशाल्लाह आधे घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। हम आ चुके हैं जी भाभी के घर, इधर बैठी हैं अम्मा जी और इधर बैठा हूँ मैं। भाभी जो हैं वे घर के कामों में हेल्प कर रही हैं, रश होगा आपको पता है, फिर थोड़ा सा इवेंट है तो रिश्तेदार भी आएंगे, तो मैं तो भाई इधर रेस्ट कर रहा हूँ। ये रेस्ट मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है यहाँ पे तो बस खाना वगैरह भी बन रहा है, इंशाल्लाह खाना वगैरह खाएँगे। कितनी देर में लगेगी हमें? तो बस घंटा डेढ़ लगेगा हमें, हम बड़ा जल्दी आ गए थे। तो मैच है वैसे आज पाकिस्तान का, दुआ करें पाकिस्तान मैच जीत जाए तभी वो आगे वर्ल्ड कप में जा सकता है, नहीं तो कोई हालत नहीं है भाई। तो हम भी इंजॉय करते हैं मैच को भी और साथ में जो इवेंट को भी, तो उसके बाद इंशाल्लाह वापस फिर घर जाएंगे। तो जिस रूम में अभी हम बैठे हुए हैं ना, ये भाभी की भाभी का रूम है और इस तरह से माशाल्लाह, ये देख रहे हो ये पेटियाँ ऊपर माशाल्लाह कवर चढ़े हुए, और छत देखो यार कितनी प्यारी है, ये वाली ईंटों के ऊपर फूल बने हुए हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये भाभी का रूम, हाँ ये सुफील बनी है, इसके ऊपर भी बर्तन रखे होते हैं, मतलब नहीं थोड़ा सा वो कल्चरल और वो कह सकते हो ट्रेडिशनल टाइप का रूम है, बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इधर चल रहा है जी पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच और बच्चे भी मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं, देखो कैसे बैठे हैं ऊपर जाके हैं। कौन जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया, कौन जीतेगा? अच्छा जी अभी तो फिलहाल पाकिस्तान नीदरलैंड का, तो यही देखते हैं हम। अभी मैं बाहर आया था और मेरे भैंसें देखी हैं, ये वाली चेक करो यार, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद गाय है। हाँ गाय है, देखी तो मैंने पहले भी है, मतलब वो ब्लैक होती हैं उनमें सफ़ेद दाग, मतलब तो वो पैच से बने होते हैं, लेकिन ये वाली बिल्कुल वाइट है और वो वाली भी मतलब उनमें थोड़ा बहुत है कलर डिफरेंट, ये तो बिल्कुल टोटली वाइट है। जो मिलाद का जो छोटा सा इवेंट था वो माशाल्लाह से सक्सेसफुली हो चुका है, बस अभी सब बैठे हुए हैं, रिश्तेदार सारे फिर इकट्ठे होते हैं तो गपशप तो होती है, वो भाई बस कर आराम से खा खड़ी होके, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे ना यार थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है, बड़ा पसीना आ गया मुझे, मैं बाहर निकलूँ अच्छी खासी धूप फील हो रही है यहाँ पे। तो भाई अच्छा गाइस, तो खैरात से हमने हो लिया है, मिलाद भी कह सकते हो खैरात भी कह सकते हो, एक बस छोटा सा इस्लामिक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था भाभी के घर वालों ने, तो उधर से हमने हो लिया है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, मिल मिलाना भी हो गया है, अभी हम जा रहे हैं जी वापस घर। कैसा रहा मुझे फिर आज का दिन? बड़े मजे 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 करती हैं दिन तो ना, रिश्तेदार पड़ोसी छड़ोसी सारे जानो मान जानो मिले। तो बस अभी घर जा रहे हैं जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह, अभी टाइम जो है ना 3:30 होने वाले हैं और दिन छोटे छोटे हैं, 5 बजे बिल्कुल अंधेरा होने लग जाता है अब, तो आराम से इंशाल्लाह घर पहुंचते हैं। अगर सिटी जाकर शायद कोई प्लान बने हमारा, कुछ हल्का फुल्का रेस्ट भी हो जाएगा और इंजॉयमेंट भी थोड़ी सी कर लेंगे। अब माँ शाम के टाइम मेरे ख्याल में पार्क में नहीं है, ऐसे ही है ना? नहीं, कोई नहीं, भाभी लोग तो आए ही नहीं है ना, सहर तो आई हुई है एक बार शायद, तो आज ना हम शाम तक तकरीबन सिटी पहुँचेंगे, तो थोड़ी देर पार्क में शायद रुक जाएँ और इंजॉयमेंट भी हो जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह रिफ्रेशमेंट के बाद फिर हम चलेंगे जी वापस। भाभी का भी फर्स्ट टाइम है पार्क, घूम लेंगे इसी बहाने, तो मिलते हैं आगे जाके।
अच्छा गाइस, तो भाई पार्क तो हम गए हैं जी, पहुंच मेरे होठों पे खुश्की तो नहीं हो गई? नहीं, ये ना गाड़ी में जब बैठता हूँ ना, एसी चलता है तो खुश्की हो जाती है। बाकी भाई पार्क फिलहाल तो बच्चे वगैरह तो कुछ आ गए हैं और झूले झूले फिलहाल तो बंद हैं। चलो पार्क की ग्रीनरी देख के बंदा खुश हो जाता है। ओ बच्चे झूले ले रहे हैं, सार ने लेने हैं तो झूले ले ले। यहाँ पे एक बेड़ा आया हुआ था, वो तो उतार के ले गए मुझे लग रहा है। यहाँ पे अब नहीं खड़ा हुआ, वो कश्ती सी बंद खड़े हैं, बंद बंद है। हाँ तो वही ना, तो फिलहाल बस फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं। वहाँ पे है भाई कोई फास्ट फूड का सीन है, अगर कुछ खाना है तो। वैसे तो खा के ही अभी आए हैं, वो फास्ट फूड है। जूस वाला तो भाई कोई सीन नहीं है, बहुत ही नाकारा किस्म के जूस पड़े थे, वो जो लोकल प्रोडक्शन होती है, इंतहाई बुरा टेस्ट, तो वो मैंने फिर नहीं लिए जूस में नहीं लेके आया। वो उनके पास पड़े थे लेकिन वो गरम भी थे और दूसरे थे। अच्छा। कोई अच्छी नहीं थे, नस्ल वाले नहीं थे, पर कोई फजूल सा ब्रांड था। उनका टेस्ट बिल्कुल किसी किस्म का, गला भी खराब कर लिया। चले आए फिर आगे चलते हैं, इधर से घूम फिर के फिर वापस इंशाल्लाह जाएंगे। रेलगाड़ी आ जाए देख लें, पर चलनी नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं है, तो दो एक साल को बैठा के तो नहीं चलाएंगे ना वो। ये देख लें, हम पाकिस्तान की नेशनल ट्रेन बंद पड़ी है सैलाब की वजह से, ये क्यों चलाएंगे वो आप खुद सोचो। बस देख लें भैया, जाम हड़ताल इनकी चल रही है तो देख लें ऐसे ही। मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से नहीं चल रही, बंद पड़ी है। आज संडे था लेकिन अभी तक फिलहाल कोई रश नहीं है, कोई भी रश नहीं है। एतवार ही है ना आज, फिर भी रश नहीं है। कहाँ गए हैं सारे बच्चे, कहाँ गए सारी फैमिलियाँ? अदरवाइज पार्क में बहुत ज़्यादा रश होता है। चले कोई नहीं, घूमने फिरने में आसानी हो रही है, कल्ले कल्ले वॉक करने में भी मज़ा आ रहा है। हाँ जी मजे, चले फिर ग्रीनरी देख ली, भाभी ने भी देख ली, भाभी जा रहे हैं आगे सार। और फिलहाल तो इधर कुछ भी नहीं है, बस ना कुछ वो टिकटॉकर भाई मेरे ख्याल में फिर रहे हैं, वो अपनी ना टिकटॉक बना रहे हैं। पार्क ना सिर्फ अब टिकटॉक के लिए बच गया। ये अम्मा चेक कर रही, ये टिकटॉक बना रहे हैं लड़के चल के। हाँ हम भी बनाते हैं, डॉन बन के ना। चले जी, अजाने भी आ रही हैं, अजाने भी आ रही हैं असर की, तो अभी इंशाल्लाह वापस घर ही चलते हैं। बाज़ार से कुछ खाने के लिए लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह वापस घर के लिए निकलते हैं। अभी जो है ना हमने लिए हैं जी जूस, ये हम आपके लिए पकड़े, मैं देता हूँ सबको। ये आपके लिए पकड़े और ये शहर के लिए, ये लो। और मैंने अपने लिए लिया है जी भाई दूध। सब ने पीना था जी जूस, और मैंने फिर अपने लिए ना ऑलपर्स का वो बादामी दूध मिलता है वो वाला लिया, तो अभी आराम से बैठ के पी लेते हैं। गाड़ी मैंने साइड पे रोकी, प्यास बड़ी लगी हुई थी ना। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जूस कमाल के ठंडे थे। ठंडे हैं या नहीं? ठंडे बड़ा चंगा है। जूस इतने ठंडे हैं ना, वैसे सर्दियां आ रही हैं, ठंडा ज्यादा पीना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज ठंडी अच्छी लगती है ना वो मजबूरी है भाई, पीनी पड़ती है। घर वापस आ गए, गंदम उठा ले भाई अपनी, आपके लिए स्पेशल गंदम ले, झाड़ू भी ले आए हैं स्पेशल बागात के झाड़ू। ससुराल वालों के घर गया था तो वहाँ पे ना मैंने एक रोटी खाई थी। हाँ। दिल ऐसे करता था कि जैसे सारी खा जाए। मैं चार रोटियां खा गया, इसीलिए मैंने ये असद निकलवाया। ये पकड़े 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 पकड़े, ये जी हमने एक झाड़ू भी खरीदा था। मैं कहता हूँ आसान, अम्मा कहती थी मैं ना कपड़े कमरा वगैरह अगर कभी साफ करती हूँ ना तो खड़े होकर दिया, आसानी होगी ना। ये लें सालन, ये जी भाभी के घर से सालन भी आया। ये इधर सदा करना, नजायज फायदा, नजायज फायदा उठा। हाँ हाँ तू वेला बैठने वाला। तो अभी मैंने फेस वॉश किया और बड़ी मुश्किल से ना मेरा फेस रिलैक्स हुआ, तो आज इतना ना मतलब वो खुश्की सी हुई खड़ी थी ना एसी पे बैठ बैठ के, क्योंकि गर्मी थी गाड़ी में ना, धूप पे चलती थी तो गर्मी लगती थी। बाकी फिर मैं ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लेके आया, लोशन तो मैं नया लेके आया था लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाला है, तो अभी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेके आया निविया की और साथ में टूथपेस्ट। तो अभी जो है ना हम अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि देख लेते हैं कि ये तो ज़्यादा चिकनाहट नहीं बनाती, तो अभी इसको ट्राई भी कर लेते हैं और वीडियो को भी इंशाल्लाह फिर यहीं पे करेंगे जी हम ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।
अच्छा मजे की बात बताऊं, मेरे हाथ गीले थे और मैंने लगा दिए, लेकिन ये है चिकना हड्डी बन रही।